इतना तेज गाना गा रहे हैं आप, शाम का वक्त है। और कितना दूर है भैया? घड़ी को क्यों बार बार देख रहे हो? कौन सी कोई आफत आने वाली है? ताकि समय का ध्यान रहे। तो मतलब ये घड़ी के बोलने से गाड़ी रुकती है क्या? हाँ? साहब आप लोग उतर जाइए, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी। आप उतरिए, आप प्लीज उतरिए। क्या उतरिए, क्या इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी? भाई इतनी रात हो रही है, कहाँ जाएंगे हम लोग? बकवास बंद करो, चुपचाप गाड़ी चलाओ। अरे साहब मैंने कहा ना उधर जाओ। काहे दिमाग का दही कर रहे हो बे? चलो सीधे तरीके से चलो, रात का टाइम है। चलो अगर आप नहीं उतरोगे तो मैं गाड़ी लेके चला जाऊंगा। वैसे भी यहाँ से 10-15 मिनट का रास्ता है, उतर जाओ चलो। अरे बदतमीज आदमी हो यार, आपको देख नहीं रहा हमारे साथ एक लेडी है, ऐसे कैसे उतर के जाएंगे हम लोग? थोड़ी इस दूर चलो ना। अरे जैसे आप लोग जाएंगे वैसे लेडीज चली जाएंगी। देखो तुम ज़्यादा बकवास मत करो यार, गाड़ी चला। नहीं नहीं नहीं, लड़ो मत। हम जिस काम के लिए आए हैं वो करते हो, निकलते हैं। छोड़ो ना। ठीक है भैया, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। क्या तकलीफ है तुमको यार? अजीब आदमी है, बताओ। अबे क्या करेंगे यहाँ पे? करते हैं, देखते हैं, कुछ तो मिलेगा। अरे भाई तेरी आदमी तो कह रहा था कि हमें 10 कदम पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ अजीब गांव है यार ये। 10 मिनट और चलते हैं, आगे दिख तो रहा है कुछ। अरे यार क्या है यार, गांव में नेटवर्क नहीं आ रहा है। लोकेशन होता तो रास्ता देखकर चले जाते। मेरा भी नहीं है नेटवर्क तो। ठीक है। हम सही तो जा रहे हैं ना? हाँ गीता, गांव तो यही है। गांव में अंदर गए तो बाहर नहीं आ पाओगे। यहाँ 7 बजे के बाद अंदर आना मना है। अरे कुछ नहीं है, चल आजा। अरे कृपया बात ना करे, शांत रहिए। राघव बात मान, चलते हैं यहाँ से यार, जान आफत में मत डाल। हाँ चल। संतोष ऐसा कुछ नहीं है, चलते हैं अंदर, बाकी लोग भी तो रहते हैं यहाँ पे, तू घबरा मत, हम है ना सब साथ में यार, साथ में है। चलो आओ गीता। अरे हमसे और ना चला जाएगा। अरे थोड़ी दूर और है। अबे नहीं होगा यार। अरे यार क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही है? तूने से पैसा निकालने का अच्छा तरीका ये क्या है? अरे ये क्या हो रहा है? अरे क्या कर रही हैं आप ये? यार पगला के क्या कर रहे हैं यार ये सब? ठीक है हाँ चलो बैठो। आगे किसको? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? देखो लो आप आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग जल्दी जाओ। अरे लीजिए ना पैसे आपके हुए। मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे ठीक है, जब वो बोल रहे नहीं चाहिए क्या कर रहे हो, चलो चलो चलो। अजीब औरत है, चलो आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ जाओ। घर तो वही लग रहा है, पिछली बार यहीं आया था। चलो अरे कहाँ रह गए थे तुम लोग? हाँ खुश रहो अंदर आओ। अरे तुम भी अंदर आओ। अरे इस बात में पहले अंदर चलो चलो अंदर। हाँ अब ठीक है, खुश रहो। बहुत सुंदर है बहू, चलो अंदर आओ। राघव बहू तो बहुत सुंदर है। आजा आजा बैठो बेटा। क्या हुआ, तुम लोग आने में इतना देर काहे कर दिए? क्या है मामी ये सब कुछ क्या है ये? अरे निकालना मत, वो सब पहने रहो, बैठो। तुम लोगों को रास्ते में कोनो परेशानी हुई क्या? अरे तकलीफ तो इतनी हुई कि पूछो मत। अरे क्या यार? नहीं मामी, बस टैक्सी नहीं मिल रही थी, और अगर जो मिल रही थी वो यहाँ आने को तैयार नहीं थी। अरे और जो मान रहा था वो गांव के बाहर छोड़ रहा था। बताओ मामी क्या हो रहा है ये सब? वो औरतें हमें धक्का मारकर ऑटो में बिठाकर यहाँ पर ले आई, कान पर ये सब कुछ पहना दिया, और कुछ पूछो तो बता नहीं रही थी और कुछ बोलने भी नहीं दे रही थी। और ये सब क्या है? मतलब गांव में जगह जगह ये भी लिखा हुआ है कि इस गांव में आना मना है। अरे नहीं, ऐसी घबराने की कोनो बात नहीं है। वो बात ये है कि गांव है ना, तो यहाँ रात बिरात तरह तरह के जंगली जानवर आ जाते हैं। बस इसीलिए गाँव वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए अलग अलग नियम बना दिए हैं, इसीलिए तुम लोगों को ये सब कान वान में पहनाया है, और कुछ नहीं है। तुम लोग घबराओ नहीं। हाँ थक गए होगे तुम लोग, प्यास लगी होगी, लो शरबत पियो। अरे मामी ये सब क्या है? अरे अभी बताया ना हम तुम लोगों को कि गांव है, यहाँ रात बिरात तरह तरह के जानवर आ जाते हैं और तरह तरह की अजीब अजीब आवाज करते हैं। अब हम लोगों को तो आदत पड़ गई है, पर तुम लोग नए हो ना, डर जाओगे। बस इसीलिए ये सब इंतजाम कर रहे हैं तुम लोगों की सुरक्षा के लिए, जिससे बाहर की आवाज अंदर ना आए। मामी पूजा का चक्कर है, पहले तो ना सुना ऐसा कभी। अरे हे राघव, तुमने अम्मा बाबू बताया नहीं क्या इसके बारे में? नहीं मामी, मुझे तो कुछ नहीं बताया। बैठो बैठो। कहा है ना, यहाँ पास में एक मंदिर है, और वो मंदिर की ये मान्यता है कि अगर वहाँ कोनो नया शादीशुदा जोड़ा बिना सुहाग रात मनाए पूजा करता है तो साल भर के अंदर उसके घर बेटा ही पैदा होता है। अरे तुमरे अम्मा बाबू भी पूजा किए थे, तभी तो परिवार में वो पहले थे जिनके घर बेटा पैदा हुआ। अब हमरे तो कोनो संतान है नहीं, तो हम सोचे कि तुम दोनों के साथ ही रस्म कर लेंगे, बस इसीलिए बुलाए तुम लोगों को। मामी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम पूजा भी करेंगे और आप बहुत जल्दी दादी भी बन जाओगे। जीते रहो बेटा। मामा कहाँ है? तुम्हारे मामा किसी काम से पास के गांव में गए हैं, बस अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। अच्छा राघव, वो आज तुमको, अरे तुम्हारा दोस्त, क्या नाम है तुम्हारा? संतोष। हाँ संतोष, तुम दोनों को अलग कमरे में सोना होगा, और बहुरिया हमरे साथ सोएगी। ठीक है माँ। अब तुम लोग जाकर हाथ मुंह धो लो, हम खाना बनाए हैं लगा देते हैं। सामान चलो बहुरिया हमरे साथ आओ। मामी, मामी, हाँ वो रूम, हाँ वो तुम हुआ उस कमरे में जाओ, हम आते हैं। क्या हुआ बहू? आपको वो चीख सुनाई दी? नहीं तो, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। किसी औरत के चिल्लाने की आवाज थी, मैंने सुनी, आपने नहीं सुनी? कोई आवाज नहीं सुनी हमने। तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। वहां कुछ नहीं है, चलो सो जाओ। चल आना, चाय पीते हैं। अरे भैया तो चाय, भाभी जी चाय देना दो। कुछ खाएगा? मेरे को ना आज समझ में आया कि जब हम लड़कियों को घूरते हैं तो उन्हें कैसा लगता है। हाँ आप ये लीजिए, सुनना चल छोड़, अरे निकल यहाँ से, क्या चल 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 यहाँ, चाय चाय तो पीने दे। कैसी जगह है यार, इस गांव में तो मुझे एक भी आदमी नहीं नजर आ रहा है, सबके सब औरतें ही हैं। अबे कहाँ ध्यान है तेरा, सुना मैंने क्या बोला? अरे अबे सुनना, अरे भाई कहाँ ध्यान है तेरा? तूने एक चीज देखी, मामा मामी के घर को छोड़ के बाकी सारे घरों के सामने क्रॉस लगा हुआ है, क्या चक्कर है? हो क्या रहा है इस गांव में? हाँ? तू मरेगा। क्या क्या बोल रही? तू भी मरेगा। चल यहाँ से। पागल है क्या बुढ़िया, जा यहाँ से। तुम भी मरोगे। आवाज सुनी? हाँ। पर वो किस चीज की आवाज है? तुम्हारे झुमकों की। क्या हुआ संतोष, क्यों चिल्ला रहा है? राघव मैंने अंदर आवाज सुनी है, अंदर कोई है। चूहा होगा अंदर, दिख नहीं रहा, इतना बड़ा ताला लगा हुआ है यहाँ पर। इस ताले की चाबी खो गई है, मामी ने बोला था कि बनवानी है। और सुन तू ना हर चीज में अपनी भूतिया कहानी घुसाना बंद कर। अच्छा सुन, हम लोगों को अभी मंदिर जाना है पूजा के लिए, तब तक यहाँ शांति से बैठ, ठीक है? अरे यार तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अंदर आवाज सुनी है। मेरी बात मानो, ये पूजा वूजा का चक्कर छोड़ो, घर चलते हैं। जी वो मामी वहाँ अकेली होंगी, हमें जल्दी पहुंचकर उनके साथ तैयारी करनी चाहिए। जैसा कहा था मैं सही किया है। सुहागरात नहीं, पूजा का बहाना बना दिए हैं हम। बस अब तू निश्चिंत होकर अपने घर जा। मैं सब देख लूंगी। आओ ना, अरे सुनो तो। अरे मामी, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। हम तो कब से तैयार होके बैठे हैं। अरे पूजा की तैयारी के लिए ही गए थे हम। लो बहू, तुम्हारे लिए चूड़ी लेकर आए हैं। पंडित जी कह रहे थे कि आज मुहूर्त ठीक नहीं है, तो पूजा कल करेंगे, ठीक है? तुम्हारा दोस्त दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है वो? वो कमरे में है। पता नहीं सुबह से क्या बोल रहा है कि उस कमरे में से कुछ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वहां कुछ नहीं है। समझा देना अपने दोस्त को। ठीक है। ये संतोष कहाँ गया? क्या कर रहे हैं? संतोष क्या कर रहा है वहां? क्या बोल रहा है? रुक। हाँ रुक रुक तू रुक, मैं वहीं आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ। राघव, राघव की आवाज आई। संतोष, राघव बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ ना। क्योंकि मैं आ गया हूं। ये मामा है तुम्हारे। पैर छू। आपने तो कहा था ये वापस आ गए, और ये सब सिर्फ राघव की वजह से हो पाया है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके पैर भी पड़ती हूँ मैं। प्लीज मुझे बता दो, हाँ, वो औरत कौन थी? वो गुब्बारे वाले की पत्नी है, जिसकी वजह से ना हम लोग यहाँ सांस ले पा रहे और ना ही गांव छोड़कर जा पा रहे हैं। बेटा ये सब उस गुब्बारे वाले की वजह से हो रहा है। मैंने लोगों को समझाया, चेताया तक था, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। एक गुब्बारे वाला आता था हमारे गांव में, आसमान को छूने का एक बहाना लाया हूँ, सतरंगी सपनों के जैसे मैं गुब्बारे लाया हूँ। आजा बच्चों, आजा साहब, नन्हे मुन्ने छोटे मोटे गुब्बारे ले लो। अरे वाह, तुम्हें भी चाहिए? तुम्हें भी? हाँ। अरे गुब्बारे वाले रुक, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे गांव वालों, इस गुब्बारे वाले से खुद को और अपने बच्चों को दूर रखो। जिस गांव से आता है ना, वहाँ महामारी फैली हुई है, लोग मर रहे हैं पटापट। अरे महामारी फैलती है एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, सब निकल लेंगे। चल चल, हट, चल निकल। वैद्य जी, आप भी हर किसी को बीमार समझ लेते हो। अरे देखा कितना अच्छा गा रहा था वो। जब से वो आया है गांव में कितना अच्छा माहौल है, खुशहाल माहौल है एकदम उसके आने से। गवार मरोगे सबके सब बेटा। फिर सुहागरात के दिन वो गुब्बारे वाला बीमार पड़ गया। अरे कोई है, अरे कोई है गाँव वाला, अरे कोई बाहर आओ, बचाओ, कोई है गाँव वाला, बचाओ, मेहरबानी करके बचाओ। इनको ले चलिए, इनको वैद्य के पास ले चलिए, डॉक्टर के पास ले चलिए, मेरे पति को बचा लीजिए, उनको सांप ने काटा है, बचा लीजिए। अरे गाँव वालों, क्या कर रहे हो? अरे देख नहीं रहे महामारी उसको? नहीं 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 नहीं, महामारी नहीं है, महामारी नहीं है भाई जी, अरे मुंह से झाग निकल। क्यों चुप? ये देखिए निशान है यहाँ पे। अरे सांप ने काटा, महामारी है। अरे रुकिए, अरे रुकिए, रुकिए, महामारी नहीं है, रुकिए। सांप ने काटा है, मेरे पति को बचा लीजिए, कोई बचा लो मेरा। उठिए, उठिए, अब कोई नहीं बचेगा, सब गांव वाले मरेंगे। वैन नहीं छोड़ूंगी तुझे, मैं गांव वालों, तुम लोगों ने मेरा सुहाग छीना है। मैं सुहाग रात के दिन विधवा हुई हूं ना, मेरा सुहाग छीना है। अब इस गांव की कोई भी औरत सुहागन नहीं रहेगी, किसी को मैं सुहागन नहीं रहने दूंगी। प्रण लेती हूँ मैं आज कि इस गांव का कोई आदमी नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। आप लोग मुझे बस इतना बताइए कि आपके सब झमेले में मेरे राघव का क्या लेना देना है? आप तो कल ही यहाँ आए थे ना, वो कैसे फंस गया इन सब में? एक अघोरी ने हमको बताया था कि अगर वो किसी नए शादीशुदा जोड़े को वैसे ही तड़पता देखे जैसे कि वो तड़पी है, तभी वो इस गांव से अपने साये को दूर कर लेगी। पर तब तक हमको हमारे पति को कहीं ऐसी जगह छुपा कर रखना था जहां जहां इनकी परछाई पर उसकी आवाज भी ना पहुंचे। तभी हमने तुम्हारे मामा को कमरे में बंद करके रखा था और तुम लोगों को यहाँ बुलाया और राघव को हम बस देखो, अब राघव कभी वापस नहीं आएगा। और तुम भी अपने गांव चली जाओ, यही सही रहेगा। हाँ, जाओ अपने गांव जाओ तुम। मेरे भांजे की वजह से आज मैं वापस आ पाया हूँ, तो वो मेरा कुछ नहीं कर सकती। आपने तो कहा था कि वो हमारे पति को नहीं उठा कर ले जाएगी, पर वो तो उनको उठा कर ले गई है। जैसा सोचा था, उसके आक्रोश का ताप उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका है। अब उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं, कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है, मगर उस रास्ते पे चल पाना बहुत मुश्किल होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे रास्ता बताइए, मैं अपने पति को वापस लाने के लिए कुछ भी करूंगी। इतने सालों से उस डायन का कहर हम ही झेल रहे हैं, और 2 दिन पहले आके तुम हमें बताओगी कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हाँ, और अगर तुमने कुछ किया तो वो चुड़ैल हमारे बच्चों को भी लेके जाएगी। तुम जाओ यहाँ से। जाऊं यहाँ से? ठीक है, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, लेकिन तुम सब मुझे एक सवाल का जवाब दो। ये जो सिंदूर लगाकर घूम रही हो, ये क्यों घूम रही हो तुम? पहुंचे तो नहीं झूठा सिंदूर। मान चुकी हो ना कि तुम्हारा पति मर चुका है। हाँ, कुछ घंटे अपने पति से दूर क्या रही, ये तो बावली हो गई। इस सजा को भुगतने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत की बात कर रही हो तुम? मुझ में तो बहुत हिम्मत है, तुम में है? चलो देखते हैं। चूड़ियां क्यों पहन के बैठी हो? तुम्हारा पति तो मर चुका है। उतारो इसे, तोड़ो इस चूड़ियों को, तोड़ो ना इन्हें। तोड़ती क्यों नहीं इसे? तोड़ो इसे। ये जो जोश मुझे यहाँ से निकालने में लगा रही हो ना, ये जोश उस डायन को यहाँ से निकालने में लगाओ। एक वो सावित्री थी जो यमराज से अपने पति को छीन कर ले आई, और तुम लोग एक डायन से नहीं लड़ सकती हो। मैं लड़ूंगी, मैं अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। राघव, मांगने आई हूँ तुमसे। मैं जानती हूँ कि पूरे गांव वालों ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मैं सबकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ, माफ कर दो हमें, मेरे पति को छोड़ दो, उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। और वैसे भी तुम सबको मारकर अपना बदला तो पूरा नहीं कर सकती हो ना, माफ कर दो हमें, माफ कर दो हम सबको, माफ कर दो। मेरा नहीं बचा, किसी का नहीं बचेगा। नहीं, ऐसा मत करो। मानती हूँ कि सबने गलत किया, पर किसी एक की सजा तुम सबको क्यों दे रही हो? तुमने सबके पतियों को यहाँ कैद करके रखा है। मैं सबकी तरफ से तुमसे माफी मांग रही हूँ। माफी? मैं मदद मांगने आई थी, किसी ने मेरी मदद नहीं की थी। मेरा पति हमारी सुहागरात की राखी गाँव वालों के सामने तड़प तड़प के मर गया। गाँव के सब मर्दों की तरह आज तू भी मरेगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें हमारा पति वापस कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें हमारा पति वापस कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें हमारा पति वापस कर दो। मेरे पास बताना, जो हाल तुम्हारे पतियों का किया है वही हाल तुम सबका कर दूंगी। आज तक तुझे लगता था ना कि तू अकेली है, कोई तेरा सामना करने के लिए नहीं है, कोई तुझसे लड़ने के लिए नहीं है। तो देख देख इन सबको, आज हम सब मिलकर अपना सुहाग मांगने आई हैं तुझसे। वापस कर मुझे मेरा पति। आज हमारे मंगलसूत्र की ताकत के आगे तू नहीं जीत पाएगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे गांव की औरतें उससे अपना सौभाग्य छीनने आई है। हमको हमारा पति वापस कर दो। 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 कहाँ चली गई? छुट्टी चली गई। राघव, राघव, राघव। सोनी, तुम ठीक हो ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होती तो हमारे पति कभी वापस नहीं आते। आप सच में इस गांव में सावित्री बन के आई। थैंक यू।